आज हम बनाने वाले हैं यमी टोमेटो सूप। मॉनसून आ गया है तो मॉनसून और विंटर सीजन में हमें ऐसी मज़ेदार गर्मा गर्म चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम अच्छे से लाल टमाटर ले लेंगे, और अगर आप देसी टमाटर लो तो वो ज़्यादा अच्छा। उनको कट करके मैंने एक बाउल भर के कट कर लिया है, और मैं ये बनाने वाली हूँ 5 से 6 लोगों के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है। और ये साथ में चॉप्ड कटे हुए लहसुन और अदरक, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है हमने। ये 2 टीस्पून अदरक और लहसुन लिया है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जो टोमेटोज़ हैं वो मैंने रफली कट किए हैं क्योंकि हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं, तो हम ग्राइंडर में ये सारी चारों चीज़ें, टोमेटोज़, लहसुन और अदरक और हरा धनिया जो है, ये सब मिक्स करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड करने वाले हैं। और मेरी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ग्राइंड करूँगी। पहले हाफ ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद अदर हाफ आई विल जस्ट ग्राइंड इन दिस ग्राइंडर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ये सारे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट में छानना है। तो मैंने ये बड़ी छन्नी ली है, इसमें हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, अभी हमने इसको छान लिया है, तो ये हमारे पास छानने के बाद इस तरह से ये स्मूथ पेस्ट मिल गया है। और ये देखिए, देसी टमाटर मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि देसी टमाटर बहुत जूसी होते हैं। तो ये हमारे पास टोमेटोज़ का जूस रेडी हो गया है, और अब हम इसको जीरे का तड़का लगाने वाले हैं। और हमने कढ़ाई में ये देसी घी गरम कर लिया है, और इसमें हम जीरे का क्यूमिन सीड्स का तड़का लगाने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो आप कोई कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है। तो अब हम ये सारा जो हमारा टोमेटोज़ का जो जूस है, सारा मिक्सचर है, इसमें मैंने बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया है। ये टोमेटोज़ बहुत ही जूसी थे तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये अभी काफ़ी थिक लग रहा है आपको, लेकिन ये जब रेडी होगा तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, एकदम जैसे सूप होता है। तो ये हम इस तरह से इसको जीरे का तड़का लगाएंगे, और इसको फिर तेज़ आंच के ऊपर हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये कुक होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फुल गैस के ऊपर ही हिलाते रहेंगे। थोड़ी देर तेज़ आंच के ऊपर पकाने के बाद सूप को हम थोड़ा सा कम आंच कर देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। और इसमें हम नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना किसी को स्वाद नमक का, जैसा कोई खाना पसंद करता है, किसी को तेज़ पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो हमें बाई से बचाती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। और काली मिर्च का टेस्ट तो वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। तो हम ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें मिक्स करके इसको हिलाएंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने दें, और थोड़ी देर के बाद ये देखिए किस तरह का टेक्सचर आ गया हमारे पास, एकदम रेड रेड। और इसमें हम भुने हुए जीरे का पाउडर स्प्रेड करेंगे। जब ऐसा टेक्सचर आ जाए हमारे पास, तो इसमें हम भुने हुए जीरे का पाउडर मिक्स करेंगे, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे। और अगर आपका सूप जो है ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो अगर आप पतला करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा उसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड वाटर। और अगर आपका जूस, ये सॉरी, सूप अगर पतला हो जाए और अगर आपको गाढ़ा करना है, तो उसमें थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो ऐड कर दीजिए। 1-2 चम्मच पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके ऐड कर दीजिए, तो आपका सूप जो है वो गाढ़ा हो जाएगा 1 मिनट में। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नेचुरल है ये। और ये हम इसमें लास्ट में शुगर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए क्या मज़ेदार गर्मा गर्म यमी टोमेटो सूप रेडी हो गया है। तो देखिए इसका टेक्स्चर कितना यम लग रहा है। अब हमारा ये टोमेटो सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
सूप बॉल में डाल के गर्मा गर्म टोमेटो सूप सर्व कीजिए। मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स से डेकोरेट की है, आप चाहें तो क्रीम और ब्रेड चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। घर में चीज़ बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत ही अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ अच्छे ढंग से चीज़ों को बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो के नीचे दिया हुआ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।